हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से हमने रखा है कि यहाँ पर ये लास्ट 2025 डेज जो भी रिमेनिंग टाइम है जेके एसएसबी के अपकमिंग जेके जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा डेली या एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डेज पे हम देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा आपका, तो उसके बेस पर मैं भी डिसाइड करूँगा। यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी। तो आज के सेशन में हमने टोटल किए हैं 30 क्वेश्चन। आज का सेशन जो है 30 क्वेश्चन के बेस पे होगा, और ये क्वेश्चन जो है ये मिक्स रखे मैंने, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप जो है अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले जो नोटबुक है वगैरह होगा, पेन वगैरह होगा, वो सब वहाँ पर ही रखिए, ताकि वो साथ ही साथ आप खुद से काउंट की करते जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर किसी क्वेश्चन में मुझे लगा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो करूँगा, वरना तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो है आपके पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी इज रिकमेंडेड फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन बाई बीआईएस। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी कंडीशन है हमारे पास, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। ये जो है आईएस कोड से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा वाला इसमें होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक जो है अपने पास जो है, अब यहाँ पर यूट्यूब पे ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि मैं आपको पोल दूँ या आपका रिस्पॉन्स देख सकूँ, तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दिया होगा। तो इसका आंसर रहेगा M30। साथ ही आप नोट डाउन कीजिए, करते जाइएगा अपने क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग हुआ हो या राइट हुआ हो, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, लास्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 34 degrees 20 minutes, मैग्नेटिक डेफिनेशन एट दैट प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2 degrees 20 minutes वेस्ट ऑन द डे ऑफ ऑब्जर्वेशन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन इज, ठीक है। ट्रू बियरिंग दी गई है, मैग्नेटिक डेफिनेशन दिया गया है, हमें पूछा गया है कि हमें बता दीजिए मैग्नेटिक बियरिंग कितनी होगी। इसको आपने सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही याद रखोगा कि हमारे पास क्या होता है ट्रू बियरिंग, आप साथ में साथ सॉल्व करते जाएगा, ठीक है, मेरा वेट नहीं करना है, मैं भी यहाँ से फिर सॉल्व करता रहूँगा। ट्रू बियरिंग जो होता है वो होता है हमारे पास मैग्नेटिक बियरिंग, और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, ठीक है। तो वो कहाँ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। ट्रू बियरिंग की वैल्यू दी गई है, यह है 34 degrees 20 minutes इजिकल टू मैग्नेटिक बियरिंग, माइनस डेफिनेशन कितना है हमारे पास 2 degrees 20 minutes, ठीक है। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक बियरिंग, ये प्लस ये माइनस है यहाँ से, तो ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों का जब मैं एडअप कर दूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 36 degrees 40, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने निकाल दिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर ये क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मूला से आप ये याद रख लेंगे प्लस माइनस करके, वो ठीक भी है इससे याद रखना, लेकिन अगर ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में चला जाता है ना, तब आप ये प्लस माइनस नहीं लगा सकते, तब आप कंसेप्ट ही लगा सकते हैं, इसमें याद रखना, ठीक है। अगर क्वाड्रेंटल में वहाँ दिया होगा हुआ होगा क्वेश्चन, तो याद रखना ये फॉर्मूला वहाँ पर आपको धोखा दे सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन इन केस ऑफ बिल्डिंग न्यू वर्क अंडरनीथ द स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये रिसेंटली मैंने देखा था कि राजस्थान का जो जे एग्जाम हुआ था रिसेंटली, लास्ट मंथ में सेप्टेम्बर के महीने में हुआ था, तो वहाँ पर ही पूछा गया था, ठीक है। इसमें एक और भी हुआ था कि इसका पेपर पहले ही एक्सपोज हुआ था, ठीक है, आउट हुआ था, लीक हुआ था, उसके मामले में सीबीआई अब जांच कर रही है, कुछ अरेस्ट भी हुई है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसके रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग डन इन केस ऑफ बिल्डिंग न्यू वर्क अंडरनीथ द स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी। अगर आपके पास क्या है, विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी, किसी स्ट्रक्चर के नीचे आप नया काम कर रहे हैं, न्यू वर्क कर रहे हैं स्ट्रक्चर के नीचे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी को आपने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम कहते हैं अंडरपिनिंग, फाइन। ये आपको स्कैफोल्डिंग पता है, शोरिंग आपको पता ही होगा, शोरिंग क्या होता है, एक वाल होता है यहां पर, और यहां पर हम इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं काम करते टाइम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शोरिंग, तो अंडरपिनिंग होता था। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूटी इज लार्जेस्ट, क्या पूछ रहा है हमसे कि ड्यूटी हमें बता दीजिए कि सबसे ज्यादा कहां पर होती है। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ड्यूटी पता होगा, ड्यूटी की डेफिनेशन पता होगी, मुझे यहां पर बताने की जरूरत ना पड़े कि ड्यूटी की डेफिनेशन क्या है। तो लार्जेस्ट कहां पर होती है, ये होती है, देखो एक तो आएगा एक मेन रिवर से, ठीक है, मेन रिवर से फिर आएगी ब्रांच कैनाल, ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये डायग्राम आपको बता के दिया है, उसके बाद आएगी डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद एक्सप्रेस, ठीक है। तो वहां पर पूछा गया है कहां पर ये मैक्सिमम होगी, तो कहां पर ये मैक्सिमम होती है, इट मैक्सिमम ऑन द फील्ड।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी। नेक्स्ट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम एट हाई वेलोसिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डायमेंशनल नंबर इज यूज। अब इन डायमेंशनल नंबर से एक क्वेश्चन तो पक्का होता ही होता है, अब वो कौन सा आता है वो दूसरी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि नॉन डायमेंशनल नंबर हमें बता दीजिए जो कहाँ पर आप यूज करते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में, ठीक है। तो कौन सा हो गया ये जो होता है मैच नंबर, ठीक है। अगर मैच नंबर की बात करें हम तो मैच नंबर होता क्या है अंडर रूट ऑफ इनर्शिया अपान इलास्टिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये याद रखने का तरीका आपको या होप पता होगा याद रखने का तरीका। एम फॉर क्या होता है, यहां पर फिर से हो गया, एम फॉर क्या होता है मशीन, मशीन में क्या होता है इनर्शिया, ठीक है। इट छोटी छोटी ट्रिक्स है आपको पता होंगी। नेक्स्ट इन प्लास्टिक बेंडिंग ऑफ बीम्स, अगर बेंडिंग ऑफ बीम्स क्या हो रही है प्लास्टिक बेंडिंग हो रही है। अब प्लास्टिक बेंडिंग आई होप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, द शेप फैक्टर इज द रेशो ऑफ, अब हमें बता दीजिए कि शेप फैक्टर किन का रेशो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास शेप फैक्टर अगर हमसे पूछेगा तो शेप फैक्टर इसमें ज़्यादातर क्या होता है कन्फ्यूजन होता है कि न्यूमेरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में कौन सी आएगी। तो ये क्या होता है जेड पी अपान जेड, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक वाला अपान यील्ड, ठीक है। तो प्लास्टिक मोमेंट अपान यील्ड, या एम एम की नोटेशन आप रख सकते हैं मुझे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट, ठीक है। इनमें बस यही याद रखना है आपने कि उल्टा ना हो जाए, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी। आपने ये नहीं बताना कि ये बिल्डिंग मटेरियल से, नहीं बिल्कुल भी नहीं है ये बिल्डिंग मटेरियल से नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है, ये आपके कंक्रीट में से भी आ सकता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है वहाँ से ये पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछा गया है यहाँ कि हमें बता दीजिए इनको मैच द फॉलोइंग लिया है, लिस्ट ए को मिलाना है लिस्ट बी के साथ। तो साउंडनेस टेस्ट किसके लिए हम करते हैं, साउंडनेस टेस्ट होता है लिचैटरीज अपैरेटस, ठीक है। उसके बाद फाइननेस, फाइननेस किसके लिए हम करते हैं एयर परमेबिलिटी, तो ये हो गया क्यों, इसकी नोटेशन है क्यों क्यों फोर, ठीक है। Q4 मुझे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, पहला वाला क्या था साउंडनेस, साउंडनेस हो गया P2 कहाँ पर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, ये मुझे मिल गया। आगे चलते हैं हम तो सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम यानी किसके लिए होता है विकेट एपरेट से हम निकालते हैं, ठीक है, यानी R1, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम ब्रिक्यूट टेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब साथ में कर दिया जाएगा खुद के पॉजिटिव नेगेटिव गिनते जाइएगा, लास्ट में परफॉर्मेंस खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर और ये अब ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यहाँ से मुझे बच्चे बड़ा पूछते हैं कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग से वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है आपका और ये इतना इतनी बार मेरे ख्याल से जितना मुझे अंदाजा आ रहा है ये मैंने ऑलमोस्ट 40 एग्जाम्स में देखा है ये वाला क्वेश्चन, वैल्यू सेम नहीं होगी लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट मैंने 40 एग्जाम्स में देखा है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले क्योंकि मुझे इसमें थोड़े बहुत जो है रफ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो क्या पूछा गया है, देखिए द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज इतना, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया गया है, इट इज सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट इज यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स इज 40,000, इट इज बुक वैल्यू, ठीक है। पहले पहला वाला पार्ट करते हैं, हम करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, ठीक है। डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास, C माइनस S अपॉन N, ठीक है। अब यहाँ पर सी क्या है, सी है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इसका कितना है 1 लाख माइनस S इज इसका सैलवेज वैल्यू, ठीक है। सैलवेज वैल्यू इसका कितना है 40,000 डिवाइड बाय N क्या है कितने साल का ये सैलवेज इसका वैल्यू दिया गया है 5, तो ये हो गया 60,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना 12,000, ठीक है, ये आ गई हमारे पास डेप्रिसिएशन। हो सकता है कि आपको एग्जामिनर जो है यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछ ले, सिर्फ हमें बता दीजिए कि डेप्रिसिएशन कितनी हुई है। अब फिलहाल इसने क्या पूछा है हमसे, इट्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, अब बुक वैल्यू इसने बता दी है इसकी, हमें बता दीजिए। तो बुक वैल्यू कितनी होती है, बुक वैल्यू की फॉर्मूला होती है C माइनस N D। मैंने कहा ना ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। सी इज ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, 1 लाख माइनस N कितना पूछा गया है, बुक वैल्यू कितने साल के बाद 2 ईयर्स, ठीक है, 2 इंटू D इज डेप्रिसिएशन, इट इज 12,000,
12 × 2 हो गया 24, 1 लाख में से 24 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 लाख में से 24 कितना आएगा 76,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। नेक्स्ट इज क्लोज कंटोर्स जो होते हैं ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड्स द सेंटर रिप्रेजेंट है। कंटोरिंग क्वेश्चन है कि अगर सेंटर है ये, उसके बाद बाहर, उसके बाद बाहर, उसके बाद बाहर, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है वैल्यूज, लेकिन जो अंदर की तरफ है ना, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पूछ रहा है, डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर में सबसे कम वैल्यू है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिप्रेशन को। देखिए इसका क्या कैसे याद रखते हैं कि जो अंदर से क्या है, अंदर से ये सबसे मिनिमम वैल्यू है और बाहर से क्या है, ये बहुत हाई वैल्यू है। ठीक है, हाई और यहाँ से लो। ठीक है, यानी कि अंदर से क्या, बाहर से अगर हम इसको देखते तो ये बहुत ताकतवर हमें लगता है, लेकिन अंदर से क्या है, ये खोखला है। ठीक है, कि लो वैल्यूज अंदर है। जब इसकी लो वैल्यूज अंदर तो उसमें होती है, हिल तो पावरफुल होता है, डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन क्या होता है, या डिप्रेशन क्या होता है, जो अंदर से खोखला होता है। ठीक है, यानी कोई खड्डा जैसे। ठीक है, मतलब ट्रिक है याद रखने की, आप जैसे भी मर्जी याद रखें। इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 33%। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अगर पोरोसिटी हमें दी गई है सॉइल की, क्लोज ऑलमोस्ट, यानी कि 33% पोरोसिटी है। ठीक है, लिख लेते हैं हम, एन इज इक्वलेंट टू 33%, तो हमें बता दीजिए वाइड रेशो कितना होगा। ठीक है, वाइड रेशो क्या होता है, एन अपान वन माइनस एन, तो एन कितना है हमारे पास, 33 अपान 1 माइनस 33, ये हो गया 33 अपान 1 माइनस 33, ये हो गया 67, ये हो गया ऑलमोस्ट 1/2, ऑलमोस्ट 1/2 हो गया 0.5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑब्टेंड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ईयरली रिपेयर्स फ्रॉम द ग्रॉस इनकम इज नोन एज। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आते भी हैं ऐसे ही क्वेश्चन एस्टिमेशन से। ठीक है, कि हमें पूछा गया है कि अगर जो आपके पास वैल्यू है प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसमें से, यानी कि ग्रॉस इनकम अगर आपके पास कुछ है, उसमें अगर आप रिपेयर्स को माइनस कर देंगे तो हमें बता दीजिए वो जो अमाउंट बचा आप उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटेबल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। फॉर 1 क्यूब मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्रॉप विद स्टोन चिप्स 1, 2, 4 द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इज। अब 1 क्यूबिक मीटर दिया गया आपके पास कंक्रीट का, ये थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास ड्राई वॉल्यूम जो होता है, अगर हमारे पास ड्राई वॉल्यूम लेना होगा ना, तो वो होता है, देखिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं है खुद से, आप ऐसे मतलब 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था आपका। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये क्या होता है, इज इक्वल टू जो भी हमारे पास वॉल्यूम होगा क्वेश्चन में गिवन इंटू 1.54। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया गया है, कितने के लिए बात हो रही है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 × 1.54। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास अभी तक 1.54। ठीक है, अब सीमेंट की बात करनी है, सीमेंट बैग्स का बोल पूछा गया है, तो सीमेंट इज इक्वलेंट टू, सीमेंट कितना होता है 1.54, जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या रेशो, जो अब हमने देखना है 1 + 2 + 4। ठीक है, ये हो गया 1.54 / 7, फाइन, तो ये आएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 0.2। ठीक है, अब ये 0.2 तो आ गया, अब इसको क्या करेंगे हम, सीमेंट को हम करेंगे इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई, सीमेंट की डेंसिटी आई होप याद होगी आपको। ठीक है, इसको कर देंगे, उसके बाद बैग्स में बनाने के लिए इसको डिवाइड बाई 50 कर देंगे, ये वैल्यू जब आप करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आता है 6 point something। ठीक है, मतलब आपका 30 seconds में हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए 20 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 19.8 देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड एज 100 मीटर विद दैट चेन विल बी। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो इनमें से पक्का होता है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है 20 मीटर चेन है और साथ ही साथ अब पूछा गया एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, एक्स मान लेते हैं, और यहां से कितनी है 19.8 और मेजर कितना गया है 100। ठीक, अब यहां से 20 और ये हो गया 5। ठीक है, हो गया 5 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 99। कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है मुझे, मैं फार में चल रहा हूं तो उसको इग्नोर ऑफ करना। ठीक है, अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दूं। सेंसिटिविटी ऑफ ए सॉइल, तो ये सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी हमें बता दीजिए कि क्या होती है। अभी हम मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर ये 15 है हमारा। ठीक है, मैं इसमें मार्किंग करना भूल गया हूं, तो फिलहाल के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। सेंसिटिविटी ऑफ ए सॉइल इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सेंसिटिविटी, हमें बता दीजिए क्या होता है सेंसिटिविटी, क्या होता है अनडिस्टर्बड अपॉन डिस्टर्बड, सबसे पहले तो ये पहचान है। अब क्या है स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ, सेम वाटर कंटेंट, बिल्कुल यही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम।
हाइट्स आर द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलॉजी से। हाइड्रोलॉजी के बारे में एक बात बता दूं कि आपका पूरे का पूरा हाइड्रोलॉजी का जो है वो सिलेबस में है आपकी, ठीक है। वहाँ पर सिंपल तो लिखा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, लेकिन उसमें पूरी की पूरी हाइड्रोलॉजी आती है, तो उसको स्किप नहीं करना। तो ये कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करता है? तो ये करता है रेनफॉल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ईयर इंटरफेस, ठीक है, वाटर और ईयर का जो इंटरफेस होता है वहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू दी गई है 0.073 न्यूटन पर मीटर। द गाज प्रेशर इन साइड ए रेन ड्रॉप ऑफ 1 mm डाया इज, गाज प्रेशर पूछा गया है हमसे, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर गाज प्रेशर कितना होगा, होगा 2σ/r। यही पहचानने वाली बात थी कि इंटरफेस आपने देखना था वाटर ईयर, ठीक है। 2σ/r 2 × 0.073 / r, r यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है डायमीटर, तो डायमीटर को हम बनाते हैं पहले रेडियस, तो वो हो गया 0.5 mm को कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, 10⁻³, ठीक है। ये हम सॉल्व कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट आती है रफ कैलकुलेशन से मेरे पास, ये आनी चाहिए 0.544 दिस ऑलमोस्ट 300 के इक्वल, थोड़ा सा कम 300 के, कौन सा है हमसे 300 में से, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आपने भी फास्ट फास्ट चलना है। नेक्स्ट इज द मोस्ट सूटेबल फाउंडेशन, सबसे सूटेबल फाउंडेशन जो होती है व्हेन द लोड्स आर हैवी, जब लोड बहुत ज्यादा है, ऑन ए सॉफ्ट क्ले सॉइल विद द बेसमेंट फ्लोर इज, ठीक है, मोस्ट सूटेबल फाउंडेशन, लोड्स बहुत ज्यादा है, सॉफ्ट क्ले है, बेसमेंट फ्लोर है, ठीक है, तो कौन सा होता है हमारे पास, आप सबको पता होगा कि लेफ्ट वाला हम उस टाइम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द बेड लेवल ऑफ कैनाल इज हायर देन द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज नहीं है यहाँ पर, ड्रेनेज है, ठीक है, ड्रेनेज, देन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज सेट टू बी, ठीक है। ऊपर से हमारे पास क्या चल रही है, ये हो गई कैनाल, और यहां पर क्या है, ड्रेनेज, ठीक है, ये हो गई कैनाल, होगी ड्रेनेज, ठीक है, ये इसके HFL से ऊपर ही है, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, एक्वाडक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज ए यूनिफॉर्म बॉडी 4 meter 1 meter एंड वन दिस देन द वेट ऑफ बॉडी इज, ए यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ 4 meter वन लॉन्ग, उसके बाद 1 meter वाइड एंड 1 meter डीप फ्लोट्स इन वाटर, इफ द डेप्थ ऑफ इमर्शन इज 0.6 देन द वेट ऑफ द बॉडी इज, इसको कैसे करेंगे, द डेप्थ, अच्छा ठीक है यार, लाइट चली गई मेरे पास यहाँ पर, इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे, चलो इस वाले का आप देख लेना तब तक शायद लाइट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब तक लाइट आएगी तब तक मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ और आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड पूछी गई है हमें टर्बाइन की, तो ये तो सिंपल सी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है, टर्बाइन से आता ही यही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है हमारे पास, एन रूट पी एच पावर 3/4, ठीक है। चलो वो वाला क्वेश्चन आप खुद देख लेना। नेक्स्ट क्या है, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए रेक्टेंगुलर लेमिना इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर आफ्टर हाइट h इज गिवन बाय, हमारे पास पूछा गया है, एक सेकेंड इसको ऑन कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर की हमें डेप्थ बता दीजिए रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर आफ्टर हाइट h, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, अगर मैं देख लूँ क्या, अगर हम निकालते तो क्या फॉर्मूला होती, h बार प्लस Ig/ah, ठीक है, हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। तो h बार कितना है हमारे पास, रेक्टेंगुलर होता है तो h बार हो गया h/2, ठीक है, प्लस Ig क्या हो गया हमारे पास, h³/12, ठीक है, डिवाइडेड बाय a, a कितना है हमारे पास, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको, इंटू एच, ओके, यहाँ पर बी इंटू एच आएगा ना, लेकिन हमने क्या करना है, एज्यूम कि बी जो है यहाँ पर 1 meter width के लिए,
हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वरना बहुत ये हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत हॉश वॉश हो रहा है, बी एच प्लस टू प्लस एच क्यू बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एच इंटू एच बाई टू, ठीक है, एच स्क्वायर बाई टू, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आता है हमारे पास टू एच बाई थ्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर थ्री स्टार लगा लेता हूँ मैं। नेक्स्ट इज द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम लेवल एट अ बेंच मार्क इज 1.56 मीटर एंड अ फोर साइड एट अ पॉइंट ए इज टेकन ऑन एन इनवर्ट स्टाफ इज 1.65। कैलकुलेट द रेड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट ए इफ द रेड्यूस लेवल ऑफ द बेंच मार्क इज। ओके फाइन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड स्टाफ है तो आपको पता ही है, इन्वर्टेड स्टाफ जब भी आता है तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बस समझ आ जाना चाहिए कि इन्वर्टेड स्टाफ दिया है तो मेरे पास फॉर्मूला में इधर उधर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम निकाले पहले वाले पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट पर क्या होता है, हमारे पास बेंच मार्क दिया गया है 150, और यहाँ पर देखिए बेंच मार्क पूछा गया था राजस्थान जेई में, राजस्थान जेई में पूछा गया था कि बेंच मार्क जो होता है उसका आपको एलिवेशन पता होता है या नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंच मार्क का एलिवेशन हमें पता होता है तो वो है हमारे पास 150, और उसके बाद अगर हम देखें बैक साइड ली गई है 1.56 की, तो ये हो गया हमारे पास 151.56 मीटर्स, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, तो वहां पर अगर हम आर एल निकाले तो वो हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, ठीक है। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है वहां पर 151.56, ठीक है, माइनस, अब यहां पर इन्वर्टेड स्टाफ है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना 1.65, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस 151 हो गया 152 153 पॉइंट समथिंग, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट इज, अच्छा क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर इसको मैं फाइव स्टार लगा लेता हूँ, मैं फोर फाइव सिक्स लगा लो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको सीधी नजर पड़ेगी मार्शल टेस्ट, मार्शल टेस्ट किस में होता है, कंक्रीट मिक्स में, बिटुमिनस मिक्स में, ठीक है, यानी कि बी फोर किस में है, बी फोर एच में ही है, यानी कि मेरा ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बाद में आप देख लेना। पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट होता है हमारे पास एसफॉल्ट ग्रेडेशन के लिए, ठीक है, और ये हो गया इसके लिए, ठीक है। उसके बाद रिंग एंड बाल किसके लिए होता है, रिंग एंड बाल होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए। मैकलमैन टेस्ट होता है, मैकलमैन टेस्ट होता है ओवरले डिजाइन के लिए, और पेनिट्रेशन पहले कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पॉइजन रेशो ऑफ एन इलास्टिक मटीरियल इज 0.3, देन द रेशो ऑफ इट्स यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस इज, ठीक है, रिलेशन पूछा गया है यंग्स और बल्क के दरमियान, और वैल्यू दी गई है म्यू की। तो यहां पर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होती है इज इक्वल टू 3K 1 - 2 μ, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवाइज करते जाइए इनको, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर म्यू की वैल्यू दी गई है अब हमारे पास 0.3, तो ये हो गया 1 - 2 × 0.3, ये हो गया 1 - 0.6, 0.6 में से तो ये हो गया 0.4, ठीक है। ई इज इक्वल टू 3K × 0.4, रेशो पूछा गया है ई बाई के, तो ई बाई के हो गया यहां 3 × 4 = 12, तो ये हो गया 1.2। नेक्स्ट इज द डिजर्व कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्स इज दिस, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज दिस फॉर 150 दिस। ओके फाइन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बारी वाला भी क्वेश्चन। एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब्स हमें पता करनी है, एवरेज स्ट्रेंथ की फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास, यहां पर लिख लेता हूं मैं, एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.645 × सिग्मा, ठीक है, यही होती है हमारे फॉर्मूला। तो एफ सी के हमारे पास कितना है, हमारे पास यहां पर 20 प्लस 1.645 × सिग्मा कितनी है, 4, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो ये हो गया 4 × 1 = 4 × 4 = 6 ऑलमोस्ट 25 6 2 + 6 26.6, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अब यहाँ पर ये जो है ना स्टैंडर्ड डिविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कभी कभी आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी, ठीक है, यहाँ पर तो ये दी थी, के की वैल्यू यहाँ पर हमें दी थी, लेकिन ये कभी कभी नहीं दी होती है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखनी होगी। ये M10 और M15 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.5, याद होना चाहिए आपको। M20 की बात करें या M25 की बात करें तो ये वैल्यू होती है 4,
M30 की बात करें तो ये वैल्यू होती है हमारे पास 5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द शिफ्ट ऑफ ए सर्कुलर कर्व इज गिवन बाई, शिफ्ट की बात करें हम सर्कुलर कर्व में तो वो कैसे दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ SSC JEE में। ये होता है L² / 24 R। ठीक है, और यहाँ से एक और बात भी पूछता है कि शिफ्ट जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, आर पे डिपेंडेंट होता है, या लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है? ऐसे ऐसे इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, द प्रेशर ड्रॉप ऑफ वाटर इन ए पाइप इज मेजर्ड बाय अ मैनोमीटर यूजिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2000 kg/m³। द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड इन द लिम्स इज 10 cm, देन द प्रेशर ड्रॉप इज। ओके फाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर ड्रॉप होता है, यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास, डेल पी अपॉन रो जी। ठीक है, ये होता है हमारे पास एच इंटू SM डिवाइडेड बाई एस माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ी है। अब डेल पी तो हमें निकालना है, प्रेशर ड्रॉप तो निकालना है, रो कितना है हमारे पास, ये हो गया डेल पी डिवाइडेड बाई रो, लिख लेते हैं हम, रो कितना है हमारे पास दिया हुआ है कुछ, चलो यहां से एच ले लेते हैं हम, एच इज 10 cm, तो गए 0.10। SM कितना है हमारे पास, SM है 2। ठीक है, और एस ऑफ लिक्विड कितना है 1 - 1। ठीक है, 2 - 1 हो गया 1, 2/1 = 2 - 1 = 1। ओके फाइन, ये हो गया 0.10 इंटू रो आपको वाटर का लेना है, जी आपको वाटर का लेना है, तो ये कितना आएगा आपके पास 981। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये हो गया 9.8, ये हो गया 1000, तो ये इनको आप इंटू कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट चीज, इन डबली रीइंफोर्स बीम्स द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, डब्ल्यू रीइंफोर्स में बीम्स में पूछा गया है कि परसेंटेज जो होती है मैक्सिमम कंप्रेशन की वो किस वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो वो होती है 4% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज, इन ए फील्ड मेजरिंग 30 hectares, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसके फॉर्मूला बेस भी है ये और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है। मैंने आपसे बहुत बार ये कहा है, इरिगेशन मैंने आपको उसके प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, ये है हमारे पास, ओके लिख लेते हैं हम डाटा। एफिशिएंसी पूछी गई है, फील्ड एफिशिएंसी, तो फील्ड एफिशिएंसी ये ज़्यादा ही डेटा बड़ा हो गया, ये होती है एस अपॉन फील्ड इंटू 100। ठीक है, वाटर स्टोर कितना है हमारे पास, देखते हैं 30 हेक्टेयर्स की बात हो रही है, कितने सेंटीमीटर जा रहे हैं इसमें, 40 सेंटीमीटर जा रहे हैं, सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाते हैं यहाँ पर ही 0.4। ठीक है, हेक्टेयर की जगह क्या करेंगे हम क्यूबिक में बनाने के लिए, 10^4। ठीक है, अपान फील्ड में कितना पहुँचा, 6, कितनी देर के लिए चला था पानी, 8 आवर्स के लिए, आवर्स को आप किस में लाएंगे, मिनट्स में लाएंगे, मिनट्स में कोस में लाएंगे, सेकेंड्स में लाएंगे। ठीक है, इसको जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आएगा 60, ये हो गया 30, ये हो गया 2। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 10^4 है, इसको 0.4 यहाँ से, ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 65++ के आ रही है ये वैल्यू। ठीक है, माइंड ये कैलकुलेशन है मेरी। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ 69, इसमें शायद एरर हो सकता है, कुछ और वैल्यू आए, क्योंकि मैंने फास्ट में कैलकुलेशन किया, आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज, फॉर अ सैंडी सॉइल हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30°, द रेशियो ऑफ पैसिव एंड एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर विल बी। सैंडी सॉइल है तो यहाँ पर हमें बता दीजिए कि रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, ओ ये तो अर्थ प्रेशर से वो जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए इतना ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन जो है, आज के 30 questions जो हैं पसंद आए होंगे। 30 तो चलो छोड़ो, एक तो लास्ट में हो गया, 29 से आप देख लेना कि आपने कितने सही किए, कहाँ पर है आपकी प्रिपरेशन, इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस लेक्चर पे या इस वीडियो पे हमारा कैसा, आपका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे बता सकता हूँ कि डेली पे रख सकता हूँ मैं ये क्लास, क्या अल्टरनेट डेज पे क्लास चलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन की जो है कंटेंट, वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।